मैंने कई बार आपसे इंस्टा, टेलीग्राम और यूट्यूब के कमेंट्स के थ्रू बातचीत करी है और इतना मुझे पता है कि वैसे तो आपकी उम्र 18 से 23 के करीब है, पर 10 से 18 साल की भी मेरी काफी सारी ऑडियंस है। वैसे आपकी एज क्या है कमेंट कर देना। खैर, चूंकि आप में से कई छोटे एज के हो तो आपके मन में कभी ना कभी ये सवाल आते होंगे कि जब ज़ॉम्बी एपोकलिप्स होगा तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे, क्योंकि ना ही हमारे पास बड़े और पावरफुल लोगों की तरह स्ट्रेंथ है और ना ही हमारे पास वेपन्स होंगे, और इनफैक्ट अगर होंगे भी तो भी हम उन्हें इस्तेमाल करना नहीं जानते होंगे। तो फिर आप ज़ॉम्बी से कैसे बचेंगे और अपने फैमिली को कैसे बचाएंगे, क्योंकि आप ही होंगे वो इंसान जो एपोकलिप्स के वक्त में अपने फैमिली में इकलौते ज़ॉम्बीज को लेकर अवेयर होंगे। टीनेज में सभी को कुछ कर दिखाने का जुनून होता है, सबको सेवियर और ऐसे कुछ बहादुरी वाले काम करने का मन करता है, पर छोटी उम्र, हाइट और स्ट्रेंथ कम होने की वजह से हम किसी की भी मदद नहीं कर पाते हैं। और इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि भले ही आप में कितनी ही कम स्ट्रेंथ क्यों ना हो, आप फिर भी ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में बच सकते हो। देखो, ये वीडियो आपके देखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बता दूं कि भारत की 41% आबादी 18 साल से कम उम्र की है। तो बी रेडी, बिकॉज वी नेवर नो इन ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में कब कैसे हम पर हमला हो जाए, और इसलिए हमारा कुछ तरीकों को जानना बेहद जरूरी है। तो चलो जानते हैं कि कौन से हैं वो टेक्निक्स जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हो और जो आपको आपके पेरेंट्स को बचाने में बहुत काम आएंगे, क्यों आपका ब्रेन ही आपके सर्वाइवल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और कैसे अगर आप 10 से 13 साल के बीच में हो तो ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में सर्वाइव कर सकते हो, कंसिडरिंग दैट कि आपके पास कोई भी वेपन्स नहीं और आपको कोई चलाने भी नहीं आती। तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवालों का जवाब देगा ये मन बुद्धि बालक। ये साल है 2028 और हम जी रहे हैं एक ऐसे वक्त में जब मेटावर्स ने पूरी दुनिया पर अपना जाल फैला लिया है। जैसा कई साल पहले सब लोग बात कर रहे थे कि हम लाइव दोस्तों को चलते फिरते देख पाएंगे, अब चीजें वैसी ही हैं। गेमिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ है और एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन कंप्यूटर गेम्स की जगह ARVR गेम्स खेलती है, क्योंकि ये लोगों के ब्रेन को और कहीं ज्यादा शार्प बनाती है। और यहां आप और आपके दोस्त गेम्स का मजा ले ही रहे होते हो कि बाहर से कुछ लोग बदहवास सी हालत में आने लगते हैं, बिल्कुल ज़ॉम्बीज की तरह। कुछ बच्चों को उनको देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई प्रैंक कर रहा होगा, और कोई डरने की बात नहीं है क्योंकि ये बच्चे वैसे हैं जो ज़ॉम्बीज पर बिलीव नहीं करते। लेकिन तभी सब ज़ॉम्बीज कई सारे लोगों पर हमला भी करने लग जाते हैं और ज़ॉम्बी वायरस भी बहुत तेजी से फैलनी शुरू हो जाती है। तो अब चलो जानते हैं कि अगर आप भी ऐसे किसी सिनेरियो में फंस जाते हो जहां हर तरफ से ज़ॉम्बीज आप पर हमला करने आ रहे हैं तो आप कैसे बचोगे और आपको इन फ्यूचर सर्वाइवल के लिए क्या क्या करनी चाहिए। स्टेप 1, ट्रेन योर ब्रेन फॉर द वर्स्ट। अब इसका मतलब ये है कि इट डजंट मैटर कि तुम कहां से हो, किस जगह से हो, जैसे ही तुम लोगों को एक दूसरे को काटते हुए देखो तो ऐसे में एपोकलिप्स के शुरू होने से भी पहले अपने ब्रेन को कंट्रोल करो और समझाओ कि ऐसी चीजें हो सकती है, जीना मरना इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो इस तरह से खुद के ब्रेन को समझाओ और उसे मत डरने दो, क्योंकि हो सकता है कि ब्लड वगैरह भी हर जगह बिखरा हो तो आपको उसके साथ रहना सीखना पड़े, तो उसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा, नहीं तो कई लोग तो पहले ही डर से हार जाएंगे। और ऐसे मौके पर जब सब किसी न किसी पर हमला कर रहे हैं तो डर आप पर भी हावी हो सकता है और फिर आपका बचना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए ट्रेन योर ब्रेन। स्टेप 2, बी पार्ट ऑफ एनी एथलेटिक एक्टिविटीज। ये जिंदगी एक रेस है, हम सब ने ये लाइन कई फिल्मों में सुनी है, तो अगर ये जिंदगी रेस है तो आप समझो कि सर्वाइवल के वक्त पर तो आपको सबसे फास्टेस्ट और कॉशियस रनर बनना है, क्योंकि आपको तेज तो दौड़ना ही होगा, साथ ही आपको इसका भी ध्यान रखना है कि ज़ॉम्बीज को डॉज कैसे किया जाए। और ऐसा इसलिए क्योंकि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में हर तरफ से तबाही का मंजर फैला होगा और ज़ॉम्बीज भी कहीं से भी आप पर हमला कर सकते हैं, इसलिए तेज होने के साथ साथ सतर्क होना भी बेहद जरूरी है। एंड जहां तक मैं जानता हूं, तुम सब भी सुबह उठकर रनिंग या प्रैक्टिस तो करते ही होगे। मैंने कई बार इसका मेंशन किया यार। सो हो सके तो फ्रेंड्स के साथ रेस लगाओ, देखो कि आप दोनों में कौन ज्यादा तेज है, और ज़ॉम्बीज अगर पीछे लगते हैं तो वो पहले किस पर अटैक करेंगे। इसके अलावा आप एक गेम भी खेल सकते हो जिसका नाम है डेयर टू सर्वाइव, जिसमें कोई भी एक पर्सन ज़ॉम्बी बनेगा और रेड कलर का कपड़ा बांध लेगा, और जितने भी बाकी बचे हुए लोग होंगे वो सभी सर्वाइवलिस्ट बनेंगे। फिर ज़ॉम्बी बना पर्सन एक एक करके सबको पकड़ेगा, और जैसे जैसे ज़ॉम्बीज पकड़ते जाएंगे बाकी भी ज़ॉम्बीज बनते जाएंगे और वो भी रेड कलर का कपड़ा बांध लेंगे, जिससे फर्क पता लगे कि कौन ज़ॉम्बी है और कौन सर्वाइवलिस्ट, और फिर वो भी ज़ॉम्बी बने लोग बाकियों को पकड़ते रहेंगे। ये गेम एक सर्टेन जगह तक ही खेली जाएगी, जैसे कि किसी सोसाइटी के अंदर या फिर आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, और साथ ही भागते हुए कोई कहीं स्पीड में जाकर छिपा भी रह सकता। और कुछ टाइम बाद जब ज़ॉम्बी टीम सभी को नहीं पकड़ पाएगी और कुछ लोग बच जाएंगे तो वो बचे हुए लोग ज़ॉम्बी वॉरियर्स कहलाएंगे, विच मींस कि वो ज़ॉम्बी से इन्फेक्ट होने से सर्वाइव कर गए एंड दे आर नाउ अ वॉरियर। और वहीं अगर ज़ॉम्बी सबको पकड़ लेते हैं
और सभी लोग जॉम्बी बन जाते हैं, तो समझ जाओ कि आपको और भी ट्रेनिंग की जरूरत है। तो आप इन सभी गेम्स को अभी से खेलकर अपनी रनिंग स्पीड वगैरह बढ़ा सकते हो और साथ ही आप कॉशियस होकर भी भाग सकते हो। ये गेम मुझे काफी पसंद है एंड आई गेस आप लोग खेलोगे, और अगर आप ये गेम खेलो तो इंस्टाग्राम पर मुझसे शेयर करना, मैं रीशेयर जरूर करूंगा। और अगर नहीं तो आप सुबह सुबह जॉगिंग करने के लिए तो जा ही सकते हो। स्टेप 3, डोंट स्टे फॉर टू लॉन्ग। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी कुछ वीडियोस में बताया है कि जब ज़ॉम्बी एपोकलिप्स होता है तो हम नहीं जानते कि कौन सी जगह हमारे लिए सेफ होगी, और जब वायरस फैलना शुरू होता है तो हमें और भी केयरफुल रहना होता है, क्योंकि अभी कई लोग ऐसे भी होंगे जो इन्फेक्टेड तो होंगे पर चेंजेस उनमें नहीं आए होंगे। और साथ ही आप भी भीड़ में ही हो तो आपको सेफ रहने के लिए और रिसोर्सेज को ढूंढने के लिए कभी भी एक जगह पर लंबे वक्त के लिए नहीं रहना है। तो शॉर्ट एंड सिंपल, फ्रिक्वेंटली कॉशियसली लोकेशन स्विच करते रहो। लेकिन स्टेप 7 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले स्टेप 4 को जान लेते हैं, जो कि है कॉल एंड ऑर्गेनाइज योर टीम। पिछले कई वक्त से मैं चिल्ला चिल्ला कर अपने इस छोटे से YouTube चैनल पर आपको बता रहा हूँ कि अपनी टीम बनाओ, क्योंकि ऐसे किसी भी सिचुएशन में आप लोग ही एक दूसरे के काम आ सकते हो और हेल्प कर सकते हो। देखो, आई नो गवर्नमेंट हमें संभालेगी और वो हमारी मदद के लिए आएंगे, पर उससे भी पहले आप लोग होंगे जो अपने नजदीक होंगे। और देखो, रिसोर्सेज को इकट्ठा करना तो बेसिक चीज है, बल्कि अगर सभी ज़ॉम्बी वॉरियर्स एक साथ आ गए तो बड़े बड़े सुनामी और अर्थक्वेक वगैरह में भी हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। आई होप यू आर गेटिंग कि मैं सिर्फ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में ही सिर्फ ज़ॉम्बी वॉरियर्स एक दूसरे की हेल्प करेंगे, बल्कि किसी भी कैटास्ट्रोफी में एक दूसरे के काम हम आ सकते हैं। तो लोकल लेवल पर ही अपनी ज़ॉम्बी वॉरियर्स की टीम बनाओ, और अगर कोई टीम नहीं बनाया हो तो मेरे ही इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से कनेक्ट हो जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर खुद चेक कर लेना और जल्दी से ज्वाइन हो जाओ, सो दैट वी कैन डू समथिंग बिगर। स्टेप 5, गैदर द रिसोर्सेज। अब जब आपकी टीम बिल्ड हो गई है, यंग टीनेजर्स की फौज तैयार हो गई है, तो क्या बस अब फूड, वाटर और बाकी इंपॉर्टेंट सामानों को इकट्ठा करो जो लंबे वक्त में काम आए, क्योंकि अब ज़ॉम्बी एपोकलिप्स लगभग स्प्रेड हो चुका है और मेजोरिटी लोग ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। तो अब आप कहीं भी जाओगे या शेल्टर से बाहर निकलोगे तो खतरा रहेगा, तो बेहतर यही है कि रिसोर्सेज इकट्ठा करो और एक जगह रहो। स्टेप 6, गेट योरसेल्फ अ ड्यूरेबल बेस। इट इज ऑल्सो वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि फ्रेंड्स इकट्ठा हो गए, रिसोर्सेज भी कलेक्ट हो गए, अब सबको एक जगह रहना होगा एक छत के नीचे, ताकि ज़ॉम्बी से कोई भी दिक्कत ना हो सके और हम पूरी तरह से प्रोटेक्टेड रहें। तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके एक घर ढूंढो जहां सभी ज़ॉम्बी वॉरियर्स एक साथ रहें और सब मुसीबतों से सर्वाइव भी करें। कई खास चीजों को ध्यान में रखनी होती है जो आपको देखनी होगी, जैसे कितने सिक्योर डोर्स हैं, या घर क्राउडेड प्लेसेस से कितनी दूरी पर है, या इसके आसपास कैसा जंगल है या कैसा एनवायरनमेंट है। स्टेप 7, सेटिंग ट्रैप्स। देखो, ये सर्वाइवल गाइड स्पेसिफिक एज ग्रुप 10 से 14 15 साल के करीब में है, और हम अच्छे से जानते हैं कि इस एज में हमारा ब्रेन काफी एक्टिवली वर्क करता है, और ऐसे में हम ज़ॉम्बीज के सामने हथियार भले ही कम स्ट्रेंथ होने की वजह से नहीं चला पा रहे हो, पर हम पहले से ज़ॉम्बीज को हराने की तैयारी करके रह सकते हैं, और उसके लिए हमें कुछ ट्रैप्स सेट करने होंगे। अब कौन से ट्रैप्स को आपको बनाना चाहिए, इसमें मैंने ऑलरेडी डिफरेंट वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उसे देख लेना। और अगर हो सके तो होम अलोन नाम की मूवी भी बहुत ज्यादा जबरदस्त है, और वो भी यही शो कर देगी कैसे एक 10 या 11 साल का बच्चा कई सारे गुंडों से सर्वाइव करता है, और वो भी ट्रैप सेट करके। तो आप उस मूवी को भी एज अ रेफरेंस ले सकते हो। तो कुछ रिसोर्सेज का इस्तेमाल करो और एक ट्रैप सेट करो एंड यू आर गुड टू गो टू सर्वाइव ज़ॉम्बी एपोकलिप्स। लेकिन इसके बावजूद आप स्टेप 8 को इग्नोर नहीं कर सकते, और स्टेप 8 है रीच आउट टू कंसर्न पर्सन। देखो, सभी चीजें ज़ॉम्बी एपोकलिप्स होने के बाद सही चल रही हैं और पूरी दुनिया ही इसके आमद से जूझ रही होगी, इसलिए अब आपको और भी लोगों को कॉन्टेक्ट करना है जो जिंदा बचे हैं, और इस सोसाइटी को भी रीबिल्ड करने में हेल्प करना है। अब इसके लिए आप अकेले डायरेक्ट कहीं भी बाहर नहीं जाओगे, और गूगल जियो और किसी भी टेलीकम्युनिकेशन की सर्विसेज अब नहीं काम कर रही, तो ये हमारे किसी काम के भी नहीं होंगे। इसलिए आप या तो जितने भी कॉमन प्लेसेस हैं जहां लोग हो सकते हैं वहां जाकर एक बैनर में अपना लोकेशन भी लिख दो, ताकि कोई भी अगर जिंदा हो तो वो आप तक पहुंच सके। नहीं तो 3 से 4 के ग्रुप में स्प्लिट होकर डेली कुछ किलोमीटर कवर करो, ताकि आप देख पाओ कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के बाद कितना डिस्ट्रक्शन फैला हुआ है। और अगर ये भी वर्क ना करे तो रेडियो की हेल्प लो और लगातार उसे सुनते रहो, हो सकता है कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई उस टाइम अनाउंसमेंट कर रहा हो अगर वो सरवाइव कर जाए तो, और सोसाइटी वापस से जब बिल्ड होगी तो आप भी उसका एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होगे। खैर, 10 से 15 साल के बच्चे कैसे ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में सरवाइव करेंगे, ये मुझे उम्मीद है आप लोग यहां तक देख लिए हो तो समझ ही गए होंगे। वैसे अगर आपने यहां तक देख लिया है तो लाइक करो, टारगेट है 10,000 लाइक्स का। आई नो आप कंप्लीट कर सकते हो तो कर देना, और कमेंट में बताओ कि आपकी एज क्या है और आप कहां से हो, ताकि सब ज़ॉम्बी वॉरियर्स आपस में कनेक्टेड रह सके। पर अगर आपको ये जानना है कि स्कूल में ज़ॉम्बी एपोकलिप्स हो जाए तो क्या करना चाहिए, तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लेना।